2100 रुपए में किसानों के खेत की मिट्टी खरीदने की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के गेहूं में नमी का बहाना बनाकर खरीदी को बंद कर दिया गया है। हजारों किसान गेहूं उपार्जन केंद्रों के बाहर किराए की ट्रैक्टर ट्राली व लोडिंग वाहनों में गेहूं रखकर अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं शिवराज सरकार का तुगलकी फरमान से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। यह बात आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए ज्ञापन के दौरान कहे। इस दौरान श्री स्वामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो किसानों के प्रति उनका नजरिया कुछ और होता है और सत्ता में आते ही जो किसानों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। आज समय ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा में किसानों की कमर तोड़कर रखती है, वहीं आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे किसान जैसे तैसे अपनी फसलों को काटकर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लाए तो शासन के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी बंद करने के आदेश ने किसानों के समक्ष अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। श्री स्वामी ने बताया कि किसान 28-29 तारीख तक अपने स्लॉट बुक करा चुके हैं और अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों के बाहर खड़े हुए हैं। किराए की ट्रैक्टर ट्राली और लोडिंग वाहन से अपने गेहूं लेकर इस उम्मीद में किसान केंद्रों पर आया है कि गेहूं बेचकर किराया अदा कर देगा, लेकिन शासन के आदेश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया, जिसके कारण क्षेत्र का किसान आक्रोशित है। शासन प्रशासन तत्काल आदेश वापस लेकर पुनः उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ करें। इस अवसर पर ओम प्रकाश मौर्य, हेनरी मचार, अयुब मेव, इरशादुद्दीन शेख, हरंगी तिवारी, रोशन सिंह सिकरवार, बेरूलाल चावड़ा, गट्टू सिंह गुजर, सचिन रघुवंशी, चेतन परमार, दीपक रघुवंशी, संजय गहलोत, जूरंडे आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन ओम प्रकाश मौर्य ने किया। इस दौरान उपस्थित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हील की सभा में दिए गए व्यक्तित्व के समाचार पत्रों की कटिंग मीडिया के समक्ष सार्वजनिक की, जिसमें 2100 रुपए में किसानों के खेत की मिट्टी खरीदने की बात श्री चौहान द्वारा कही गई थी। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो किसानों की मिट्टी भी 2100 के भाव में खरीद लेता। ये वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा उनेल में ही एक सभा में बोला गया वाक्य है। क्या कारण है कि शिवराज सिंह जी, जब आप विपक्ष में होते हो तो किसानों का दर्द आपको अपना दर्द लगता है, और जब आप सत्ता में बैठ जाते हो तो वही किसानों का दर्द आप उसको हंसी मजाक में देते हैं। विगत दो दिन पहले 25 मार्च को गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी का कार्य शुरू हुआ शासन द्वारा, और मात्र दो दिन ये कार्य चला और एक आदेश आया कि अब 5 दिनों तक गेहूं खरीदी का कार्य नहीं होगा। जिन लोगों के 28-29 तारीख तक, 30 तारीख तक के स्लॉट बुक हो गए हैं, वो किसान अपनी उपज लेकर किराए के ट्रैक्टर और अन्य लोडिंग वाहनों से लेकर वहाँ पर मंडियों और सोसाइटियों के आगे अपनी उपज बेचने के लिए प्रतीक्षा रहते हैं। लेकिन शासन का ये जो तुगलकी फरमान है, अब इस आर्थिक संकट के दौर में जहाँ ओलावृष्टि और अतिवृष्टि ने किसानों की फसल तो पहले ही बर्बाद कर रखी है, और शासन का ये फरमान उनके गांवों पे जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है, इस स्थिति में शिवराज सिंह जी की सरकार को कैसे किसान हितैषी बताया जा सकता है, जब शिवराज सिंह जी स्वयं 2100 में मिट्टी खरीदने को तैयार थे, आज आप गेहूं खरीदने को तैयार नहीं हो। गेहूं लेकर किसान सोसाइटियों के आगे खड़ा हुआ है और आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हम 5 दिन तक नमी के कारण किसानों का गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो शिवराज जी कौन से मुंह से बात करते हो विपक्ष में बैठकर, किसान हित की बात विपक्ष में बैठकर करते हो, सत्ता में बैठकर किसानों का दर्द भूल जाने वाले भारतीय जनता पार्टी को किसान आने वाले समय में जब ये चुनाव होगा तो आपकी इन्हीं नीतियों के कारण किसान आपको बताएगा कि आपकी नीति के कारण किसान प्रदेश, पूरे प्रदेश भर में आपसे दूर हो गया है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से, जिला इकाई की ओर से हमने ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर दिया है, और हम मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करेंगे कि सारे उपार्जन केंद्रों में गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी जाए, तत्काल आदेश से पुनः शुरू की जाए। अगर ये प्रक्रिया पुनः गेहूं खरीदी की शुरू नहीं होती तो किसान हित में
आम आदमी पार्टी उनके साथ आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।